14 मई 1657 किले पुरंदर पुणे। मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान और सबसे बहादुर योद्धा का जन्म हुआ था। इस योद्धा ने अपनी 31 की उम्र तक 128 युद्ध जीते थे। सेंट जेवियर्स को उनकी कब्र से गोवा में एक विशिष्ट समय पर बाहर निकालने की जो प्रथा शुरू हुई वह इसी महान योद्धा के कारण शुरू हुई थी। यह महान योद्धा एक राजपुत्र था। यह जब 2.5 साल के थे तब इनकी माता जी सईबाई का निधन हो गया था। पिता हर वक्त एक युद्ध से दूसरे युद्ध की ओर दौड़ रहे होते थे, इसलिए इनकी दादी जी जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ थी, उन्होंने संभाजी राजे के परवरिश की जिम्मेदारी ली। जी हाँ, संभाजी राजे थे ग्रेट वॉरियर, परवरिश शिवाजी महाराज की मातोश्री जीजाबाई ने की थी। अपनी उम्र के 8.5 साल में ही संभाजी राजे 14 भाषाओं के पंडित बन चुके थे। अपनी उम्र के 9 साल में ही उन्हें महाराष्ट्र के रायगढ़ से अपने पिताजी के साथ आगरा के लिए रवाना होना पड़ा था। आप सोच सकते हो कि एक 9 साल का बच्चा घोड़े पर बैठकर 1000 मील किस तरह से गया होगा और औरंगजेब के बंदी बनाए जाने के पश्चात किस तरह से ये एक बच्चा अपने पिता के बिना औरंगजेब का बंदी बनकर रहा होगा। राजनीति का सही ज्ञान संभाजी राजे ने औरंगजेब के बंधन में रहकर ही सीख लिया था। अपनी चालाकी के कारण संभाजी ने औरंगजेब की कैद से अपने पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज को भी छुड़वाया और कुछ दिनों पश्चात वे स्वयं भी छूटकर रायगढ़ पहुंच गए थे। अपने पिताजी शिवाजी महाराज की गैर मौजूदगी में संभाजी राजे जनता दरबार और न्याय दरबार खुद संभालने लगे थे। संभाजी महाराज का दिया हुआ हर फैसला जनता ने अपने सर आंखों पर उठाए रखा। उम्र के 14 बरस तक संभाजी विज्ञान, अर्थशास्त्र और युद्ध के सभी गुणों से संपूर्ण हो चुके थे। इस छोटी उम्र में उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से संस्कृत में लिखा नक्षिकांत, नायिका भेद और सात शातक आज भी काफी प्रसिद्ध है। इनमें से नक्षिकांत में जो गणपति का वर्णन और स्तुति संभाजी राजे ने की है, वैसा वर्णन श्री गणेश का शायद ही आज तक किसी ने किया होगा। 16 जनवरी 1681 में संभाजी राजे छत्रपति बने। मराठों के ये पहले राजपुत्र थे जो छत्रपति बने थे। छत्रपति बनते ही इन्हें एहसास हुआ कि मराठा साम्राज्य के पास धन धान्य की बहुत दिक्कत थी, जिसके चलते इन्होंने सीधे औरंगजेब के औरंगाबाद और बुरहानपुर पर आक्रमण करके काफी बड़ी मात्रा में धन और जेवरात इकट्ठा किए। औरंगजेब ने गुस्सा कर आगरा छोड़ा और सीधे छत्रपति संभाजी राजे को सबक सिखाने का फैसला लिया। मराठों को सबक सिखाने के लिए वो महाराष्ट्र की ओर अपने 5 लाख सैनिक और 4 लाख जानवर, जिनमें ऊंट, घोड़े और हाथी काफी बड़ी मात्रा में शामिल थे, उनको लेकर निकल पड़ा। मराठों की जान उनके गढ़ किलों में हुआ करती थी, इसीलिए औरंगजेब ने नासिक के रामसेस किले को अपना सबसे पहला निशाना बनाया। औरंगजेब का सबसे बहादुर सेनापति शहाबुद्दीन खान अपने 10,000 सैनिकों और उतने ही जानवरों को लेकर रामसेस किले के पास पहुंच गया। किला एक दिन में जीतने का विश्वास शहाबुद्दीन खान ने औरंगजेब से जताया था। पहले दिन जब शहाबुद्दीन खान ने अपने सैनिकों के साथ किला चढ़ने की कोशिश की तो ऊपर बैठे 600 मराठा सैनिकों ने पत्थरों से शहाबुद्दीन खान का स्वागत किया। अगले 2 साल शहाबुद्दीन खान कोशिश करता रहा। उसके पश्चात औरंगजेब ने शहाबुद्दीन खान को लौटने का आदेश दिया। औरंगजेब ने अपने अगले सेनापति फतेह खान को रामसेस जीतने के लिए भेजा। वह अपने साथ 20,000 सैनिकों को लेकर आया। फतेह खान की तरकीबें शहाबुद्दीन खान से काफी अलग थी। फतेह खान कभी मांत्रिक के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तो कभी तोपों की मदद से किले को जीतने की कोशिश करता। रात के सन्नाटे में मराठे कभी नीचे आकर बम गोले चुरा कर ले जाते तो कभी नीचे आकर तोपों को आग लगा देते। जब फतेह खान ने तोपे दागने के लिए 1000 फीट ऊंचा जंगल की लकड़ियों को एक के ऊपर एक लगाकर तख्ता बनाया तो मराठों ने रात के अंधेरे में उसे भी जला दिया। वो शायद दुनिया की सबसे बड़ी होली रही होगी, जिसका धुआं और आग 100 मीलों तक देखा गया था। औरंगजेब के कई सेनापति लगातार 6 साल तक जूझते रहे, तिल मिलाते रहे रामसेस किले के लिए, लेकिन 600 मराठों ने उन्हें रोके रखा। इस बीच संभाजी कई युद्ध जीतते चले गए। संभाजी की सेना मद्रास तक जाकर अपनी जीत का डंका लहरा चुकी थी। गोवा में बसे पोर्तुगीज पर जब संभाजी ने हमला बोला तो पोर्तुगीज के गवर्नर काउंट दे अल्वोर को सेंट जेवियर्स को उनकी कब्र से बाहर निकालना पड़ा था। इस गवर्नर ने सेंट जेवियर्स से पोर्तुगीज साम्राज्य की रक्षा करने की गुहार लगाई और उसी समय छत्रपति संभाजी राजे को यह सूचना मिली कि औरंगजेब रायगढ़ की ओर बढ़ रहा है, तो उन्हें तुरंत पीछे की ओर मुड़ना पड़ा था।
इस दौरान संभाजी कई बड़े बड़े युद्ध जीतते चले गए। एक अंग्रेज लेखक ने उन पर एक किताब लिखी थी जिसमें लिखा था कि छत्रपति संभाजी राजे सत्ता और युद्ध के जीत के नशे में चूर चूर थे। आगे चलकर लोगों ने ये घोषित कर दिया कि छत्रपति संभाजी राजे शराबी थे। अंग्रेजी में लिखे शब्दों का हमारे अपने ही लोगों ने भद्दा शब्दांतरण करके हमारे सबसे महान योद्धा का मजाक उड़ाया। न्याय प्रविष्ट छत्रपति संभाजी राजे ने कुछ कठोर फैसले ऐसे भी लिए थे जिसके कारण उनके एक मंत्री मल्हार चिटनिस बहुत ज्यादा क्रोधित थे। इस मल्हार चिटनिस ने संभाजी को नशेड़ी और औरतों का शौकीन और मराठों पर कलंक ऐसा लिख दिया। किताब लिखने का अधिकार उन दिनों कुछ गिने चुने लोगों को ही हुआ करता था। आपको यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि छत्रपति संभाजी राजे ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही विवाह किया था। धर्म और न्याय का जो ज्ञान संभाजी को था वैसा शायद ही इतिहास में आपने किसी और राजा के बारे में सुना होगा। मंत्री और पंडितों से यह कभी देखा न गया और संभाजी राजे इन ज्ञान और विज्ञान के ठेकेदारों की कलम से बदनाम होते चले गए। संभाजी राजे से सीधे युद्ध में जीतना संभव नहीं था, इसलिए औरंगजेब ने संभाजी के नजदीकी रिश्तेदारों के जरिए संभाजी को धोखे से अपने रायगढ़ किले से दूर बुलवाया। अपने रिश्तेदार ने अपने साथ धोखा किया है इसकी जानकारी जब संभाजी को हुई तो तब तक काफी देर हो चुकी थी। संभाजी अपने खास दोस्त के साथ अकेले ही रायगढ़ की तरफ निकल पड़े, लेकिन औरंगजेब अपनी पूरी सेना के साथ रायगढ़ को घेरे हुए था। जब संभाजी को निहत्ता देख औरंगजेब की सेना ने घेर लिया तो काफी देर तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके पास जाने की। दूर से ही रस्सियों का तख्ता बांधकर संभाजी को कैद किया गया। अगले दो दिन तक लगातार औरंगजेब का सेनापति संभाजी को बिना रुके औरंगाबाद ले गया। अगले 40 दिनों तक संभाजी को तिल तिल मारा गया। कभी उनकी आंखें निकाली गई, कभी उनकी जुबान काटी गई, कभी उनकी उंगलियां काटी गई, तो अगले दिन उनके हाथ काटे गए, फिर उनकी टांगे काटी गई और 40 दिन के पश्चात उनकी गर्दन काटकर उन्हें मार दिया गया। 11 मार्च 1679 के दिन दुनिया के सबसे महान योद्धा का 31 की उम्र में स्वर्गवास हुआ। कुछ लोग उनकी मृत्यु की इस कहानी में भी नमक मिर्च लगाकर सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि संभाजी ने औरंगजेब का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तेरी बेटी मुझे दे दे, जबकि औरंगजेब की बेटी संभाजी से उम्र में 20 साल बड़ी थी। कुछ लोग यह कहते हैं कि संभाजी ने मंजुला और कमला नाम की लड़कियों का चीर हरण किया जिसके कारण कमलाबाई ने आत्महत्या कर ली। अगर इतिहास में झांक कर देखा जाए तो कमला नाम की औरत की पुष्टि होती है जो संभाजी महाराज के मृत्यु के 12 साल बाद उसका निधन हुआ और वह भी संभाजी महाराज से बहुत ज्यादा बड़ी थी। झूठी कहानियों के जरिए हम सबको बहकाया गया, फंसाया गया, एक महान हिंदू और मराठा राजा को बदनाम किया गया जबकि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे बुद्धिमान और बहादुर योद्धा था।